हेलो एंड वेलकम बैक टू वे टू लर्न। तो आज से हम शुरू करेंगे जो बिहार टीचर के लिए वैकेंसी आई हुई है नियुक्ति वाली, जिसमें कि आपके दो पेपर होने वाले, एक तो हिंदी इंग्लिश का और दूसरा जीएस का, जो कि 120 नंबर का होगा। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके लिए हम ये बुक लाए हैं जो कि आईएएस जो हैं हमारे रंजीत कुमार सिंह, उनकी बुक है, प्रैक्टिस बुक। तो इसमें से हम सबसे पहले मैथ और रीजनिंग वाले, मतलब मैथ का अलग वीडियो आएगा और रीजनिंग के अलग वीडियो, जितने भी इसमें जैसे पहले सेट में 5 या 10 या 20 जितने भी मैथ हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग की वीडियो आएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए आपकी स्क्रीन पे, तो बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति को अपनी चाय की खपत में ₹500 के लिए दो केजी की कटौती करनी पड़ रही है। तो कितने की वृद्धि हुई है? तो 20% की। और कितना वो ₹500 का चाय खरीदता है, ठीक है। तो 500 इसमें कितना 2 केजी का कम हो गया उसका, समझिएगा कि 2 केजी कम मिल रहा है। तो किसमें? तो इसी 20% में। तो अगर हम इसका 500 का 20% निकाल दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो जो 100 है, 100 में ही हमारा कितना मिल रहा है? 2 केजी कम मिल रहा है। तो ₹100 में 2 केजी मिल रहा है, यानी कि 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा हमारा? तो 1 केजी का दाम हमारा हो जाएगा, इसे हम काट देंगे तो ₹50, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, समझ में आया आपको? 20% बढ़ रहा है और इसी में 2 केजी कम हो रहा है, रेट बढ़ रहा है 20%, और टोटल वो पैसा कितना खर्चा कर रहा है? टोटल जो है वो 500 ही खर्च कर रहा है, इसमें बस 2 केजी कम ला रहा है, पहले ज़्यादा ला रहा था, अब 2 केजी कम ला रहा है। तो 500 का हम 20% करें, ₹100, तो ₹100 की चीनी बढ़ गई है और 2 केजी कम आ गया, ठीक है। यानी कि ₹100 बढ़ रहे हैं तो 2 केजी कम हो जा रहा है, तो 1 केजी कितना हो जाएगा? ₹50, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन अपना। तो दूसरा है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2 और 3 के अनुपात में थे, ठीक है। कितना है भाई? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 80 लीटर है और इसमें 2 और 3 में है दूध और पानी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ मिल्क एंड वाटर है 2:3 में, तो टोटल कितना है ये? 5, ठीक है। उसके बोल रहा है यदि मिश्रण के 25% को समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है, यानी 25% इसमें जो मिश्रण है उसको समान मात्रा में उतना ही दूध डाल दिया जाए, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो पहले हम इसमें निकाल दें कितना कितना दूध और क्या है, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 80, ठीक है। तो 5 से इसको हम काट दें अगर, तो कितना हो जाएगा हमारा? 16, 16×5=80। तो दूध की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 32, और यहाँ से कितनी हो जाएगी? 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे करूँ कि 80 और ये 5 इसे काटूँ तो 16, तो दूध का मेरा आ गया, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा और इससे इधर कर दूँगा, ठीक है। तो 32 और 48, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो ये 80 लीटर है इसी में से बोला जा रहा है कि 25% को समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका हम 25% पहले निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा? एक जीरो से एक जीरो, और ऐसे भी हम काट सकते थे कि 25 चौके 100 और 4 से काट देंगे इसको 20 बार में, यानी कि 20 लीटर यहाँ दिख भी रहा है कि 80 का 25% है, 1/4 हिस्सा, तो 20 चौके 80, तो 20 लीटर इसमें से क्या हो गया भाई? दूध को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, तो 20 लीटर दूध को निकाल दिया गया अब, और पहले दूध कितना था? तो 32 लीटर था इसमें, और 20 लीटर निकाल दिया गया, तो बचा कितना अभी दूध? अभी बच गया आपका 12 लीटर दूध इसमें बच गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यदि मिश्रण के 25% को समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो अभी कितना बच गया इसमें? 12 लीटर, और पहले से कितना था? 32, तो इसको हम यहाँ भी अगर ऐड कर देंगे कि पहले और अभी का, तो कितना हो जाएगा हमारा? 44 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जिसका आंसर हो जाएगा हमारा 44 लीटर। तो 95 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है स्क्रीन पे आपके। तो बोला जा रहा है कि ये एक ट्रेन है 72 मीटर प्रति घंटे की गति से 2 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी देर में विपरीत दिशा में 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी लंबाई की एक अन्य ट्रेन को पार कितनी देर में कर लेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो पहले बोला जा रहा है कि 72 किलोमीटर है, तो 72 किलोमीटर इसको हम चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 72 × 5/18, तो ये हो जाएगा आपका 20, हम यहीं लिख लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। सबको चेंज करना अपने उसमें ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 500 मीटर का है, ये अपने यूनिट में ही है। टाइम जो है आपका 2 मिनट है, यानी कि 120 सेकंड। ठीक है, तो अब हम करते हैं, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि ये जो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, हमें पता है कि स्पीड क्या होता है फार्मूला, कि ये फार्मूला आपका हो गया मान लीजिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी फार्मूले पे। तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा आपका, तो टी ट्रेन की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि 500, और समय क्या हो जाएगा आपका 120 सेकंड। ठीक है, तो 120, और चाल कितना है आपका दिया हुआ है तो 20 मीटर का, ये मल्टीप्लाई होगा। तो टी प्लस 500 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2400। ठीक है, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1900 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ये आपकी वैल्यू हो गई 1900 मीटर। ठीक, तो ये 1900 मीटर आ गया। अब दूसरे ट्रेन की जो सेकेंड ट्रेन है, उसकी स्पीड दी हुई है 108, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इससे ये कट जाएगा 6 बार में, और ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत में आती हैं तो इनका स्पीड जो होता है वो प्लस, और जो लेंथ होता है वो प्लस, जब विपरीत होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब मतलब एक साथ जाएंगी तो माइनस हो जाएगा, और जब एक दूसरे के विपरीत आएंगी तो प्लस, क्योंकि दोनों एक साथ क्रॉस कर रही हैं। तो क्या हो गया आपका, ऐड कर देंगे तो बोल रहा है कि सेम ही लंबाई की दोनों ट्रेन हैं, तो ये 20 और ये 30, इसको सॉल्व कर दीजिए, 3800 और ये 50, इससे इसको काटेंगे हम तो ये कट जाएगा 76 टाइम्स में, तो यानी कि 76 कितनी देर में, तो 76 सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक नाव है, ठीक है, एक नाव है जो कि एक नाव एक नदी के बराबर साथ जाती है, तो ये 2 घंटे में जाती है, 2 घंटे में, और आती है पूरा मतलब टोटल इसको लगता है 5, ठीक है 5, तो आने में इसको कितना लगा, तो 5 - 2 यानी कि 3 घंटे। ठीक है, यानी 3 आवर लगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है सीधे सा कि नाव की चाल बटे धारा की चाल बराबर T1 + T2 / T1 - T2। ठीक है, तो इसमें हम रख देंगे तो 3 - 2 / 3 + 2 तो ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन में पहले धारा बोला है और फिर नाव बोला है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो ऑप्शन दोनों रहता है, दोनों मार देंगे हम। तो धारा नीचे है तो 1, और नाव ऊपर लिखा हुआ है तो 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए और बी क्रमशः 15,000 और 18,000 के पूंजी के साथ निवेश करते हैं और एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद ए ने अपने निवेश को दोगुना कर दिया जबकि बी ने अपने निवेश को आधा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में ए को 12,500 का लाभ प्राप्त होता है तो ए और बी को मिलाकर अर्जित कुल लाभ क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, ए है हमारा और बी है, ठीक है, इसको लाभ कितना प्राप्त हुआ है, 12,500 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ए ने कितने पैसे लगाए हैं भाई, देख लेते हैं, ए ने लगाए हैं आपके 18,000 और कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए, प्लस में ये क्या कर रहा है, अपना आधा कर दे रहा है, यानी कि 9,000 फिर लगाए इसने कितने के लिए, तो 6 महीने के लिए। बी ने कितना लगाया, तो रुकिए गलत हो गया,
देखिए ए को प्रॉफिट इतना हो रहा है, बी को इतना हो रहा है, ठीक है। तो ए ने लगाया, ए और बी क्रमशः 15 है, ए लगा रहा है 15,000 6 महीने प्लस, और 18,000 ये लगा रहा है बी, और ये भी 6 महीने बोल रहा है, 6 महीने के बाद ये दोगुना कर रहा है अपना, यानी 30,000 × 6, ठीक है। और ये क्या कर रहा है प्लस में, ये कर रहा है अपना आधा, यानी कि 9,000 × 6। तो जो भी रेशियो होगा ना, वो प्रॉफिट का भी रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 15×6 90 प्लस लिख लीजिए पूरा ही 90,000, 3×6 18 180,000, इसको करिए 18×6 1,08,000 और 9×6 54,000, ठीक है। ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 27 और 4 0, यानी 2,07,000 हो गया आपका, 0,0,0 और 8×4 12 5×1 6 और 1, 3 0 से 3 0 ख़त्म, क्योंकि इनका रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। जिसमें पूंजी लगेगी उसी रेशियो में प्रॉफिट भी प्राप्त होगा। इसको काटिए तो 9 से काटते हैं हम, तो 9 × 3 = 27 30, इसको काटते हैं तो 9 × 1 = 9, ठीक है। और 9 × 7 = 16 होता है, 7 × 2 = 9 = 72, ठीक है। 3×6 = 18, 3 × 6 = 10, 2×5 = 10 और ये हो गया 2×3 = 6। तो ये है आपका 5:3 में। तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, तो 12,500, ठीक है। 5 की वैल्यू 12,500 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इससे इसको हम काटेंगे तो हो जाएगी हमारी 2500। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, तो 2500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7500 रुपये, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। तो 98 क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अपने 6 दोस्तों को कितने प्रकार से निमंत्रण कार्ड भेज सकता है यदि उसके पास 4 नौकर हैं। तो फ्रेंड कितने हैं उसके, तो 6, और निमंत्रण नौकर कितने हैं उसके पास, तो 4। तो 4 नौकर, अब कॉमन सेंस लगेगा, 4 नौकर 6 फ्रेंड के पास वो 4 बार भी भेज सकता है, यानी कि 4 के पावर और कितने फ्रेंड हैं, तो 6, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। एक डीलर एक वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 40%, तो मान लीजिए कि लागत मूल्य क्या है 100 रुपये है लागत, और 40% ज़्यादा लगा रहा है अंकित मूल्य, तो 140। अब इस पर 2 छूट दे रहा है, एक दे रहा है आपका 25% 20% का, और एक दे रहा है आपका 25% का। तो देखिए 20% से अब निकालेंगे 140 पे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 112, इसका निकालेंगे तो, और यानी कि 20% यानी कि छूट दे रहा, तो कितना मूल्य हो जाएगा 80%, तो हम इसका 180% निकालेंगे, और 25% छूट दे रहा यानी कि 75% का मतलब 75% पे बेच रहा है, तो 112 का 75% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 84, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, तो 16 रुपये का, ठीक है, 16 रुपये का है। तो कितने पे है भाई 16 रुपये, आपका है 140 पे। अब इस पर कितना इसको मूल्य निकालेंगे, तो ये हो जाएगा × 100, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 25 बार में, ये काटेंगे तो 4 बार में, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 4×3 = 12, 4×5 = 20, 35 और 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50×25 5×3 = 15 2×17 2×5 = 10 = 0 8×6 = 1 2×3 = 6 = 7, तो 5 7 7 1 8, तो कितना हो गया 875 रुपये, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और दूसरा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 12। तो पूछ रहा है आपसे कि ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC की वैल्यू क्या होगी। इसका आपको पता है कि ऐसा जब फार्मूला में पूछा जाए आपसे, तो इसका सीधे सीधे फार्मूला हो जाता है 0। तो यहाँ से आप सीधे इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर बनाना है आपको तो बना भी सकते हैं यहाँ, तो फार्मूला थोड़ा सा लंबा जाएगा बनाने पर। तो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। मेनली ये याद रखिएगा, तो ऐसे फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला जीरो आता है, ठीक है। अब ये देखिए, छः का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस टू और ए बी बी सी इसकी वैल्यू दी हुई है। कोई डाउट है? ये हो गया 36, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा प्लस 24। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ से निकाल लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए एक तरफ कहीं भी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 36 माइनस 24 यानी कि 12। तो ये आपकी वैल्यू इसकी हो गई 12। अब हम ये वाले फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसका फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। मिला लीजिएगा एक बार फार्मूला। तो अब यहाँ से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू आपकी 6 हो गई और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 12, और इसकी वैल्यू ऊपर 12 दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 0 बराबर 0 आंसर। तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे कि यहाँ से इसकी वैल्यू 0। 101 इसका पहला वाला 100 था, तो बोल रहा है 300 है से 700, ठीक है। इसके बीच में कितनी संख्या है, 300 से 700 के बीच में 5, 6 और 8 से कितनी संख्या है जो विभाज्य हैं। तो पहले आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, नॉर्मली अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे कर लीजिए, 5 दो तीन 6 दो चौक 8 हो, देखिए 4 5 20 20 दो 40 40 तीन 120, इसका एलसीएम कितना होगा 120। 5 दो 10 10 तीन 30 3 चौक 12 120 हो गया एलसीएम। अब यानी इनके बीच में जो संख्या होगी वो 120 से कटेगी, तो 12 का टेबल आप पढ़िए, 12 दो 24 12 तीन 36, तो 12 तीन 36 यानी 360, बढ़ चौक 48 यानी 480 और 12 5 60 यानी 600 और इसके आगे जब जाएंगे तो 12 6 72 यानी 720। तो ये तो 700 से बड़ा है तो ये तो होगा नहीं, तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 3, ठीक है। ये आपका आंसर। पी क्यू आर एस समानांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, पी क्यू आर एस समानांतर है और इसमें बोल रहा है कि क्यू आर की लंबाई जो है वो 40 है और पी क्यू की जो लंबाई है वो 10 है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 है। तो अभी तक ले तो हम अभी तक हमने सीखा था कि बिना एंगल वाला ही एरिया, लेकिन इसके बारे में भी आप जानते होंगे फार्मूला। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ए बी यानी कि 40 इंटू 10 और साइन 60 डिग्री, तो 40 10 400 रूट 3 बाई 2, इससे इसको काट दीजिए तो ये आपका हो गया 200 रूट 3 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण 4x² माइनस 49 माइनस 4kx बराबर 0 के दोनों मूल समान हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जब दोनों मूल बराबर हो जाए, दोनों मूल समान है यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसको अरेंज देखिए, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा 4x² माइनस 4kx और माइनस 49, यही है ना आपके क्वेश्चन में। बीच में यहाँ प्लस है, देखिए गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ प्लस है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है, तो ये 4, और x को छोड़ के बाकी सारा x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो 4k² माइनस 4ac, इसको उधर भेज देते हैं हम, तो उधर प्लस में चला जाएगा, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो 4 और c की वैल्यू कितनी है, 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16k² बराबर, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए अभी, आसानी से कट जाएगा। ये देखिए चर्चा होगा 16, ये ख़त्म, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर रूट चढ़ जाएगा तो 7, तो आपकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी।
105 में बोल रहा है कि खरगोश शेर की प्रत्येक 2 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है, ठीक है। तो खरगोश जो है यानी रैबिट वो 7 लगा रहा है, लायन जो है वो 2 लगा रहा है और तेंदुआ जो है वो 8 लगा रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि तेंदुए द्वारा शेर द्वारा 4 छलांग, तो 4L इधर साइड में लिखते हैं 4L बराबर 4L यानी कि 4 छलांग लायन का कितने के बराबर है, तो 4 छलांग तेंदुए के 2 छलांग 2T और तेंदुए जो है वो 7 छलांग है रैबिट का, ठीक है। 7 छलांग तय की दूरी के बराबर है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 दूने का 8, ठीक है। 4 दूने का 8 हो गया और 7 दूने का 14 हो गया और 7 चौके 28 इसका हो गया रेशियो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो 7 8 56, 14 2 28, 28 5 140 काट दीजिए तो एक बार में 28 2 56, 28 5 40, तो 2:1 आंसर। एवरेज क्या है, 106 नंबर। 15 मित्रों के समूह में समूह की औसत लंबाई 152 है, 15 है और 152 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 152 में 15 से, तो इनकी एवरेज ये है, एवरेज है, ठीक है। तो 5 2 10 50 25 1 26 6, 5 1 5 और 2 7, 1 2 9 2, 1 5 5, 1 1 1, तो 0 6 2 8, 7 5 12 और 1 2 2280 हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है लेकिन जब एक मित्र आगे की पढ़ाई के लिए गया, एक चला गया इसमें से और 2 3 बढ़ गए, यानी टोटल कितने हो गए, तो 2 आ गए, ठीक है। एक चला गया और 3 आ गए यानी कि 2 नए आए हुए हैं अभी, तो एक जाएगा तो उसका वेट कम होगा औसत में से या टोटल में से भी, और 3 आएंगे तो उनका जुड़ेगा। 3 आने वक्त समूह में शामिल हो गए, अब समूह की औसत लंबाई 148 हो गई और अब कितने हो गए, पहले 15 थे और 2 एक्स्ट्रा हो गए हैं तो अब 17 हो गए हैं। मल्टीप्लाई कर दिए 7 8 56 6, 7 4 28 और 5 33 3, 8 3 7, 7 7 7 3 10, 1 8 8, 4 1 6, 8 3 11, 4 1 5, 1 1 2, तो ये हो गए 2516, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि समूह को छोड़ने वाले व्यक्तियों की लंबाई क्या है, यदि समूह में शामिल होने वाले तीनों व्यक्तियों की कुल लंबाई 362 है, ये जो शामिल हुए थे इनकी 362 थी, तो इसमें से 362 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 6 में से 2 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 2, तो ये हो गया हमारा 2154। तो बोला जा रहा तीनों व्यक्तियों की कुल लंबाई 362 है, तो बोला जब इसकी लंबाई केवल पूछी जा रही है, जो छोड़ के गया है पहले से जो था वो छोड़ के चला गया, तो उसकी लंबाई क्या होगी, तो इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 6 2 और 2 में से 1 गया 1, ख़त्म। यानी कि 126 kg का वो आदमी है, बहुत ही भारी था भाई, 126 kg उसका वज़न है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट जो 1 है, हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, प्रैक्टिस सेट 1 जो है रंजीत सर की बुक का, रंजीत सर की, उसका प्रैक्टिस सेट 1 था हमारा, ठीक है। तो आगे मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2 के मैथ के साथ, और साथ ही प्रैक्टिस सेट 1 की रीजनिंग भी आएगी। अभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और तैयारी में जम के लगे रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।